कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गाँव का यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 मैंने नहीं सोचा था केशु कि तुम इतने गिर जाओगे। डैडी, अब गिर गए थे क्या? क्या? घर में मेरी जैसी बीवी होते हुए तुम्हें पड़ोस में झांकने की जरूरत ही क्या है? डैडी, ये बुरी आदत है आप। मम्मी! अरे, उसे क्यों चुप कराते हो? वो तो सब कुछ जानता है। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानता है वे? मैं बताऊँ? ए, चुप। जब से वो हीरोइन पड़ोस में आई है तुम्हारी तो चाल ही बदल गई है। क्या मतलब? डैडी, कल आप प्रेमा आंटी के दरवाजे की बेल बजा रहे थे ना? ए, चिंटो, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ बात कर रहा हूँ। और मैं सुन रहा हूँ। ए, चल भाग, भाग। मम्मी! कोकी, तुम बच्चों के सामने ऐसी वैसी बातें मत किया करो। तो तुम भी बच्चे के सामने ऐसी वैसी हरकतें मत किया करो। क्या किया मैंने, क्या किया? सुबह सुबह बालकनी में जाकर पड़ोस में झांकने की क्या जरूरत थी? मैं झांक नहीं रहा था, देख रहा था। हाँ, मैं भी देख रही थी कि तुम क्या देख रहे थे। हाँ, तो देख के कुछ सीखा नहीं? क्या? वो देखो प्रेमा शालिनी को, अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती है, रोज एक्सरसाइज करती है। क्योंकि उसका पति घर का सारा काम करता है। कल से तुम घर संभालो, मैं एक्सरसाइज करूंगी। रहने दो, वो गलती मत करना। क्यों? मकान पुराना हो चुका है। केशु, मेरा मजाक उड़ाती हो? ठीक है ठीक है, मैं भी एक दिन अपने आप को ऐसा फिट करूंगी कि तुम भी नाचते रह जाओगे और फिर कहोगे मुझसे, हाय मेरा दिल। ओके, ये क्या किया तुमने? कलाकार? यू मीन एक्ट्रेस? हाँ सर। वो भी कुलकर्णी के पड़ोस में? बिल्कुल बगल में रहती है सर। स्ट्रेंज, नाम क्या है उसका? अरे नाम क्या है उसका? प्रेमा शालिनी। प्रेमा शालिनी, नाम तो सुना है उसका मगर कभी देखा नहीं। आपको देखना भी नहीं चाहिए। क्यों? आपको दिल की बीमारी है ना। कितने तुमसे कहा? ऑफिस की सभी महिलाएं कहती हैं। मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है। फिर जब मौका मिले तो प्रेमा जी के दर्शन कर लीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी। जो कहे सर, क्या वो बहुत सुंदर है? वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मेरा मतलब है बाबा। मैं निकलता हूँ सर। एक्सक्यूज मी गोखले, कुलकर्णी को बुलाओ। समझदार यू गॉट द पॉइंट। शर्मा शर्मा, यू गॉट द पॉइंट। राजा कुलकर्णी, कुलकर्णी जाओ, तुम्हें शेट्टी ने बुलाया है। बॉस ने? खुद ही जाके देख लीजिए। क्या हुआ? कहाँ चला गया? मर गया क्या? थर्ड क्लास आदमी है कुलकर्णी, कभी टाइम पर ऑफिस से मिलता ही नहीं। आपने मुझे बुलाया सर? कुलकर्णी बुलाया नहीं, याद किया। बैठो। नहीं सर, ठीक हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ सर। अरे भाई, प्रेम में क्या छोटा क्या बड़ा? बैठो। थैंक यू सर। एक्चुअली मिस्टर कुलकर्णी, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। अच्छा, एकदम से खुश हो गए सर। एक्सक्यूज मी कुलकर्णी, सुना है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने के लिए कोई आया है। रहने के लिए आया है? कौन सर? रोजी, क्या नाम उसका? प्रेमा शालिनी। प्रेमा शालिनी, एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। एक्सक्यूज मी, सुना है कि वो बहुत सुंदर है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? नहीं, मैं कर सकता हूँ। क्या मतलब? मैं उसे मिलना चाहता हूँ भाई। मिलना चाहते हैं? क्यों सर? वो
समझ गया सर, समझ गया। मिलवा दूंगा सर, मिलवा दूंगा। लेकिन सर आप प्रेमा जी को अकेले तो नहीं मिल सकते, मुझे भी आपके साथ चलना पड़ेगा। चलो चलो ना भाई, तुम ही तो मिलवाओगे मुझे। अगर मैं आपके साथ चलता हूँ तो सर मुझे ऑफिस से आधे दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी, और आप तो जानते मैं ऑलरेडी 25 छुट्टियां ले चुका हूँ, वो भी अनपेड सर। कुलकर्णी डोंट वरी, मैं तुम्हारी सारी छुट्टियां पेड कर दूंगा बेटे। सच सर? लेकिन एक्सक्यूज मी, अगर तुमने आज प्रेमा शारिनी से मुझे नहीं मिलवाया ना, तो मैं तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। नहीं सर, मिलवा दूंगा सर, मिलवा दूंगा। करो करो। क्या सर? फोन करो। फोन करो। ओके सर। करो करो, नंबर दे आज ना, करो। ओफो, जब भी कड़ी पकड़ो मां, हमेशा प्रॉब्लम। फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। हेलो हेलो हेलो, दिलरुबा जी स्पीकिंग। मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ, अरे आपका पड़ोसी। ओके कूल। बोलो भाई, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? दिलरुबा जी, मेरे जो बड़े बॉस है, बड़े बॉस प्रेमा जी को मिलना चाहते हैं। प्लीज किसी भी तरह मिलवा दीजिए। लेकिन वो तो शूटिंग कर रहे हैं 6 बजे तक, नॉर्मल शिफ्ट। प्लीज दिलरुबा जी, किसी भी तरह मिलवा दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है यार, वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी। प्लीज। इसका मतलब यू आर इन प्रॉब्लम। शूटिंग 6 बजे तक है, इसका मतलब देन यू कम एट 7, मैं मिलवा दूंगा। कम एट 7? थैंक यू दिलरुबा जी, थैंक यू। कम ऑन केकू, हम लोग पड़ोसी हैं। सर 7 o'clock आप प्रेमा जी से मिलेंगे। थोड़ा जोर से बोलो, नहीं समझ। सुनो ना, आप आती है कहती है, शीशा ठीक करने से पकड़ो। हाँ। तो आप आती है कहती है, पहचाना मुझे। हाँ। से डरा थी उसको। मैडम आपका फोन है। हेलो, हाय डॉल, सुबह के लिए सॉरी, योर दिल स्पीकिंग। हाँ दिल बोलो। डॉल आज आज आपका 6 बजे पैकअप हो जाएगा ना? और नो दिल, मेरी आज एक्सटेंशन हो गई है, डबल शिफ्ट हो गई है, मैं 10 बजे के बाद ही आऊंगी। ओ मम्मी, अरे वो अपने पड़ोस में है ना केकू जी। कौन? अरे अपने पड़ोस वाले कोकीज हब्बू। केकू जी। हाँ हाँ, तो केकू जी के जो बॉस है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ नो दिल, यू नो मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं शूटिंग छोड़कर नहीं आ सकती। I'm a thorough professional, you know that. नहीं, that तो I know, आना भी नहीं चाहिए, पर आओ तो अच्छा है। दिल मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती, and now don't disturb me, please. Hello, hello. Keku is in problem. Welcome sir, welcome, welcome, please come. ये मेरा घर, मेरा गरीब खाना सर। यहाँ मैं, मेरी बीबी, मेरा बच्चा बड़े प्यार से रहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उनको तो बुलाओ। श्योर श्योर। अजी सुनती हो, मुझे लगता है बाहर गई हुई है। किसको बुला रहे हैं आप? मेरी बीवी को सर। बीवी को भाई? अरे उनको उनको उनको। ओ प्रेमा शालिनी की बात कर रहे हैं सर, बुला रहा हूँ सर, वो शूटिंग से लौट गई होगी सर, मैं बुला के आता हूँ सर। ओके। और सुनिए। हाँ जी सर। आप उनको भेज दीजिए और आप जरा घूम आइए। क्या? ओ मैं घूम के आऊं आप यहाँ बैठ के? समझ गया सर, समझ गया। मैं जरा एक्सक्यूज मी। यस सर। और उसे बिल्कुल मत बताइएगा ना कि मैंने उनकी एक भी फिल्म नहीं देखी। ओके सर। आपने उनकी एक भी फिल्म नहीं देखी? आप कमाल के फैन हैं सर। प्रेमा शालिनी को बुला के आता हूँ सर। ओके। हेलो केकू जी। प्रेमा जी शूटिंग से आ गई? नहीं, वो तो अब तक नहीं आ पाई हैं। लेकिन आपने तो कहा था वो 6 बजे तक आ जाएगी। नहीं, आने वाली थी, बट द प्रॉब्लम इज दैट शी शूटिंग टिल 10। 10 बजे तक शूटिंग कर रही है? अरे यार तो शूटिंग को बंद करवाओ, मतलब यू नो माय प्रॉब्लम। क्या हुआ?
शूटिंग कैसे बंद करा सकते हैं जी? You know my problem. मेरा बॉस घर में आके बैठा है. मेरी छुट्टी, मेरी इज्जत. प्लीज कुछ करो दिलरुबा जी, प्लीज कुछ करो. ओ मामा, ठीक है कुछ करता हूँ. प्लीज क्या करूँ, क्या करूँ प्रेम आजी. आज मैं जवान हो नमस्ते, आ गए आप. मिस्टर कुलकर्णी ने आपको बताया तो होगा कि मैं आपसे मिलना चाहता था. मुझसे आप उनके दफ्तर में काम करते हैं? जी मैं मिस्टर शर्मा, मिस्टर कुलकर्णी का बॉस हूँ. ओह नमस्ते नमस्ते. लेकिन अभी तो आपके पास हूँ. दरअसल मैं बहुत दिनों से आपसे मिलने के लिए वो बेताब था. लेकिन कितनी बदल गई हैं आप. मगर आपने मुझे इसके पहले देखा है? कई बार देखा है. मैं तो आपका एक्सक्यूज मी फैन हूँ. ओह फैन, फैन. आप खड़ी क्यों हैं? एक्सक्यूज मी, बैठिए ना, बैठिए. कितनी बदल गई हैं. एक्सक्यूज मी. सच कहता हूँ, दिन रात उठते बैठते मैं आप ही के बारे में सोचा करता हूँ. ये मिस्टर कुलकर्णी कहाँ गए? घूमने. अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ. नहीं चाय वाले दीजिए, आप तो बस यहाँ पर बैठी रहिए और मुझसे बात करती रहिए. ओह मामा फिर एंगेज. ओह माय गॉड फिर एंगेज. कुछ कीजिए दिलरुबा जी, कुछ कीजिए. किसी भी तरह प्रेमा जी को यहाँ बुला लीजिए प्लीज. कर रहा हूँ के कुछ ही मैं कर रहा हूँ. आप देखिए ना, लगता है वहाँ शॉर्ट चल रहा है. किसी ने रिसीवर उतार के नीचे रख दिया है. हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा. लेकिन मेरा बॉस वहाँ पे रुका हुआ है और घर में भी कोई नहीं है. कुछ कीजिए प्लीज. आई नो आई नो. क्या क्या बात करूँ? यही कि आजकल क्या कर रही हैं? मैं हमेशा वही खाना बनाना, सिलाई करना, बस यही. नहीं मेरा मतलब है कि आजकल आप कौन सी भूमिका कर रही हैं? भूमिका? ओ भूमि, हाउसवाइफ. हाँ हाउसवाइफ. हाउसवाइफ. एक बात पूछूं आपसे जी, आजकल आपको एक भूमिका का क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? मेरा मतलब पेमेंट. ओ पेमेंट. वैसे तो 100-500 तक जाता है, मगर कभी कभी चुराना भी पड़ता है. फिर भी 500 तक तो मिलता ही है. 500? लेकिन ये तो बहुत कम है. इट इज एक्सप्लॉयटेशन. अच्छा, आपको जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. किसके खिलाफ आवाज उठाऊं? ये बंधन ही ऐसा है. बंधन? यू मीन कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट? हाँ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही समझ लीजिए, लेकिन जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन आप कोर्ट में क्यों नहीं जाती? कोर्ट में जाकर क्या फायदा होगा? अरे आपको इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी. और उसके आगे? मैं हूँ ना, मैं आपको सहारा दूंगा. अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपनी बीबी को तलाक दे करके आपसे शादी कर लूंगा. ये आप क्या कह रहे हैं? कुलकर्णी कहाँ है? कुलकर्णी? कुलकर्णी को मारिए गोली. मेरे पास अच्छे अच्छे वकील है. मैं आपके लिए केस लड़ूंगा, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा. मम्मी चिंटू आ गए तुम. एक्सक्यूज मी जी, ये आपका बेटा है? हाँ ये मेरा बेटा चिंटू है. चिंटू बेटे अंकल को नमस्ते करो. नमस्ते. ठीक है ठीक है. ऐसे उन्हें तंग मत करो, तुम उनके साथ बात करो. अब बैठे मैं आपके लिए चाय लाती हूँ. वेरी गुड बॉय चिंटू. टू 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 पिस्तौल वाला. अच्छा बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? लग गया लग गया. हेलो देखिए मैं दिल वहाँ डॉल प्रेमा जी. हाँ वहाँ प्रेमा जी होंगी, उन्हें कहिए घर से फोन है. क्या शॉर्ट चल रहा है? शॉर्ट चल रहा है. मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जिसे तुमने पिछले जन्म में ठुकराया था. अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ. अब मैं तुमसे बदला लूंगी. हाँ मैं तुम्हें नोच नोच कर तुम्हारा हाम भी हो गया. मैडम आपका फोन है. किसका फोन है? दिलरुबा जी का. हाँ
खा लाओ। क्या बात है दिल डॉल, मैं वो तुम आप सिर्फ आधे घंटे के लिए आ जाओ। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। शट अप। क्या हुआ? वो नहीं आ सकती, शूटिंग में फंसी हैं। ओह माय गॉड, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। प्लीज फिर से एक बार फोन कीजिए प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या कुछ, वो नहीं आ सकती है, फंसी है शूटिंग में। इफ यू डोंट माइंड मैं फोन करूँ, मैं उनको एक मिनट में कन्विंस करूंगा। कैसे? मैं उनको कहूंगा कि आप बालकनी से गिर गए। यू मीन आई डेड? यस। नो आई मीन डोंट वरी, यू आर स्टिल अलाइव। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो मेरा बॉस मुझे बालकनी से फेंक देगा। यू मीन यू डेड? यस। नहीं, यू मीन ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाएगी, यू नो। अटरिया पे लौटन कबूतर। गुड़िया मनी के साथ। मिस्टर गोखले, एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ कैसे? सर, इन सबको प्रेमा शालिनी जी के दर्शन करने थे तो ले आया हूँ सर। कुलकर्णी कहाँ है सर? घूमने गया घूमने। अच्छा, तो मैं इन्हें पड़ोस में ले जाता हूँ। किस लिए? प्रेमा जी के दर्शन कराने। चलो। क्या सर? पड़ोस में जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर गोखले। क्यों सर? क्योंकि एक्सक्यूज मी, प्रेमा जी यहीं पर हैं। अच्छा, सुनो यहाँ यहाँ, तुम्हें कुछ पता है कि प्रेमा जी के बच्चा भी है। अच्छा, और जानते हो बच्चे ने अपने बाप का नाम क्या बताया है? क्या? केशव कुलकर्णी। सॉरी सर, बस प्रेमा शालिनी अब थोड़ी देर में आ ही जाएगी सर। आई एम सॉरी सर। तो आप सब भी आ गए प्रेमा जी को देखने के लिए? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आप सब मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, यकीन नहीं होता मिस्टर कुलकर्णी कि तुम इतने झूठे और दगाबाज हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, वो आ जाएगी सर। अरे मैं भी उनसे मिल चुका हूँ, प्रेमा शालिनी से। आप प्रेमा जी से मिल चुके? कब? अरे अभी अभी, मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई है। लंबी बातचीत? हाँ, तुम्हारी असलियत का पता चल गया है मिस्टर कुलकर्णी। कैसी असलियत सर? यही कि तुम्हारे और प्रेमा जी के नाजायज संबंध है। नाजायज संबंध? नहीं सर, ये झूठ है सर। सच है? झूठ है सर। किस बेवकूफ ने आपको कहा? मैंने। मेरा मतलब है कि मैंने अभी पता लगा लिया है। क्या पता लगा है? एक बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन किसका बच्चा? प्रेमा शालिनी का बच्चा। व्हाट? प्रेमा जी का बच्चा? नहीं, इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है? कैसे? और उस बच्चे के बाप तुम हो। मैं पागल हो जाऊंगा सर, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें पागल नहीं होने दूंगा। ठहरो चिंटू। चिंटू क्या हुआ अंकल? चिंटू बेटा, फिर से एक बार बता कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बताया ना, केशव कुलकर्णी। कुलकर्णी? लेकिन मैंने कब कहा ये बच्चा मेरा नहीं है सर, ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन प्रेमा जी का नहीं है सर। अब तो ये प्रेमा जी ही बताएंगे कुलकर्णी। आ गई प्रेमा जी। प्रेमा जी ये बताइए, ये बच्चा किसका है? पागल हो गया क्या? अरे पागल हो गया क्या? पागल हो गया? अरे पागल, ये प्रेमा जी। अरे ये कोकी है सर, मेरी बीवी। ओ मेरी बीवी है सर। तो प्रेमा जी कहाँ है? करेगा मेरी मजाक? हाँ, उड़ाएगा मेरी किल्ली? बोल। डैडी आप क्या कर रहे हैं? चुप चुप। अभी देखिए मैं डैडी मेरे बच्चे को मार रहा
केशु, केशु क्या कर रहे हो तुम? केशु क्यों क्यों, अब हो गई तेरी बोलती बंद? अरे तुम्हारी तोते के साथ भी दुश्मनी है? अरे तोते के साथ तो मेरी बचपन से दुश्मनी है। क्यों? एक बार मैं छोटा था तब हमारे पड़ोस में एक तोता था, वो हमेशा मुझे बुद्धू कहा करता था। इस तोते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये मुझे बेवकूफ कहता है। हाँ, आज के जमाने का तोता है ना। ए बेवकूफ, इसे बेवकूफ कहा सुना? केशु केशु, गंगा मौसी ने तोता देते वक्त ये तो कहा था कि ये बोलने वाला है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये सच में बोलता है। ओकी, ये तोते को इसी वक्त बाहर फेंक दो वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे डैडी, इसकी गर्दन मत मरोड़ना। क्यों? क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की तो ये पुलिस पुलिस चिल्लाने लगा। अंदर जा। लेकिन डैडी। अंदर जा वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। केशु, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? गर्दन मरोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, ऐसी भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। बस बस बस, अब लेक्चर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा टिफिन तैयार है। नहीं। क्यों? क्योंकि गैस वाला आज भी नहीं आया है। अभी जाके उस गैस वाले का गला दबा देता हूँ। फिर वही बात, क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्या करूँ, सुबह से काम ठीक नहीं हो रहा, नहाने को गया, मुंह पे साबुन लगाया तो पानी गया। अरे पाइपलाइन टूटी होगी कहाँ पे? बाद में एक फोन करने को गया तो फोन भी बंद। तुमने देखा नहीं, नीचे टेलीफोन वाले रिपेयर कर रहे हैं लाइन। लगता है मेरी तकदीर की लाइन ही खराब हो गई। लो अब ये घड़ी भी बंद हो गई। प्लीज फिकर मत करो, देखो गंगा मौसी के यहाँ एक ज्योतिष आने वाला है। तो क्या ज्योतिष मेरी घड़ी रिपेयर करेगा? खबरदार, उस ज्योतिष को हमारे घर में बुलाता हूँ, उसकी गर्दन दबा दूंगा। फिर वही बात, क्या हो क्या गया तुम्हें? मेरा मूड ही आज कुछ ऐसा है, ये लो पकड़ो। ए केशव पागल। ए बॉम्बे वाला इमीडिएटली टाइप करना जरा। ठीक है। अच्छा, अपने कुलकर्णी जी आए क्या? नहीं, वो आए नहीं अभी तक। ठीक है, आएंगे तो उन्हें बॉस के केबिन में भेज देना। ऐसे कभी आते ऑफिस में? ऐसे चलते? गला लम्बा है। इडियट। गोखले, ये कुलकर्णी जी को क्या हुआ? लगता है ट्रेन में किसी से झगड़ा करके आए। नहीं नहीं गोखले, कुलकर्णी जी ने पिछले महीने जो दो दिन की छुट्टी ली थी ना, बॉस ने उसे लीव विदाउट पे कर दी है। लेकिन ये बात अभी उन्हें मत बताना, शायद उनका मूड आज ठीक नहीं है। आगे आगे। आई एम बी लक्ष्मी, वो कल 3 केसेस दिए थे, उसकी फाइल रेडी की? नहीं सर। क्यों? क्या करूं सर, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। काम पेंडिंग पड़े हैं? ये सब्जी काटने से फुर्सत नहीं मिलती तुमको? हां काम पेंडिंग पड़े, व्हाट इज दिस? हां व्हाट इज दिस, काम पेंडिंग पड़े। देखिए सर, मैं चाहे सब्जी काटू या कुछ भी करूं, आपको ना दे पूछने वाले। लड़ाती हो मुझसे? जबान लड़ाती हो? हां जबान लड़ाती हो? आप इस तरह हमें धमकी नहीं दे सकते, हम यूनियन में कंप्लेंट कर देंगे। अबे ओ, यूनियन में कंप्लेंट करने वाली, देख लूंगा तुम सबको। यहां पर शांत हो जाओ केशव, बात क्या है? अरे क्या बात क्या, एक काम ठीक से नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। हां हां वाला टच नहीं करने का, टच नहीं करने का, मेरे को याद रखो। तुम सबकी कंप्लेंट कर लूंगा, इनको इनको गप्पी लगाने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको ये सब्जी काटने से फुर्सत नहीं मिलती, और ये तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं। आते क्यों तुम लोग यहाँ पे? केशव, ये बात ही नहीं है। क्या क्या बात है भाई, क्या बात है? क्या बात है इडियट, क्या आपको बॉस ने बुलाया? क्या सर, बॉस के भी दिन भर गए, लोगों को भी देखना पड़ेगा, याद रख लो तुम सबकी। इडियट, लगता है आज कुलकर्णी का ऑफिस में आखिरी दिन है। केशव के टेंशन में मेरे रहे सहे बाल भी सुहाकर जी। क्या हुआ सर? केशव बाहर क्या हंगामा हो रहा था? सर वो मिस लक्ष्मी ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उसे कुछ कहा। कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहूंगा तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं बॉस हूं, बॉस हूं, बॉस हूं। लेकिन सर स्टाफ पे कोई आदमी ठीक से काम नहीं करता तो उनको कुछ कहने का मेरा फर्ज बनता है। और तुम कौन सा ठीक काम करते हो जी? तो क्या किया मैंने? तुमने ये केसेस देखा काउंट्स के, तुमने गए पुटअप किए, और तुमने हैंड डिलीवरी के सारे लेटर्स पोस्ट से भेज दिए, और पोस्ट के हैंड डिलीवरी से कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा केशव? देखो केशव, अगर 4 बजे शाम तक तुमने सारे केसेस ठीक से पुटअप नहीं किए तो मैं तुम्हें मेमो दूंगा, समझे? रहने दो, मैं केशव से करवा लूंगा। जाने सवेरे सवेरे मैंने किसका मुंह देखा था? आईने में अपना मुंह देखा होगा। देखो सर, मजाक की भी कोई हद होती है, अगर दूसरी बार आपने ऐसी मजाक की तो मैं आपको क्या करने को दूं? तू क्या करेगा? मैं क्या करने आता हूं? बाद में बताऊंगा। कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा, सारी दुनिया बिगड़ जाएगी, मारे उल्लू का पट्टा के सब, कभी नहीं सुधरेगा। अरे यार, वो टकलू बेकार में धमका रहा था, जी तो करता था उसका गला दबा दो। लगता है आज तुम्हारा दिन ही कुछ खराब है। हाँ यार गोखले, सुबह से मेरा एक काम ठीक नहीं हो रहा, एक काम ठीक नहीं हो रहा। ट्रेन से आ रहा था, मेरी बगल में गंजा बैठा था सर पर तेल मार के। हाँ। मैंने कहा भाई जरा दूर बैठो, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो उसने मुझे मारने की शुरुआत की। कितना मारा मुझे, कितना मारा गोखले। बाद में यहाँ आया,
तो लिफ्ट में अटक गया, लिफ्ट बंद हो गई, आधे घंटे तक अंदर पड़ा रहा और यहाँ स्टाफ से झगड़ा और बॉस ने मुझे मेमो देने की धमकी दी। काम ठीक नहीं हो रहा गोखले। हाँ, जो हुआ उसे भूल जाओ केशव। कैसे भूल जाओ केशव? गुस्सा करने से थोड़ी काम चलेगा। तो फिर मैं क्या करूँ? सबसे पहले स्टाफ से माफी मांग लो। मैं माफी मांगू क्यों केशव? मैं कहता हूँ उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना खाम खा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। केशव, कोकी भाभी और चिंटू का तो कुछ ख्याल करो। मांग लेता हूँ माफी, मांग लेता हूँ। हाँ 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 चलो। खून कहाँ है? आपके पति के भविष्य में लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ। जी विस्तार से बताइए। आपके पति के राशि में हाँ। अनिष्ट ग्रहों का मेला लगा हुआ है। मतलब? हाँ, राहु केतु शनि मंगल इन सब ग्रहों ने मानो हमला बोल दिया है। तो? अरे रे 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 रे। सारे साथी ने भी जोर पकड़ लिया है। आप आगे भी बताइए, बार बार वही क्यों दोहरा रहे? आपके पति के हाथों से कल शाम को 7:30 बजे तक किसी का खून होने वाला है। क्या बंडल मारते, केशव ने आज तक मच्छर भी नहीं मारा है। फिर भी मुझे लगता है क्योंकि हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अरे कोई जरूरत नहीं है गंगा मौसी, केशव क्या किसी का खून करेगा? टोमेटो केचप देख के वो डर जाता है, बेहोश होने लगता है। ठीक है, फिर भी मैं शाम को आऊंगा। नहीं, मेरे पति को ज्योतिषियों से सख्त नफरत है, कहीं आपने बताया हुआ भविष्य आप ही के बारे में सच न हो जाए। यस, फिर आप मेरी दक्षिणा दे दीजिए। वो मैं कल शाम को 7:30 बजे के बाद दूंगी, अगर भविष्य सच हुआ तो। ठीक है, लेकिन ये बात आप आपके पति को मत बताइएगा। क्यों? वरना उसी वक्त वो किसी का खून कर डालेंगे। अच्छा, ये मेरी भविष्यवाणी है। ठीक है। कोकी, हम्म, फिर भी मुझे लगता है तुम सबको सावधान कर दो। अरे कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट। क्या हुआ? केशव सुबह बोल रहा था गला घोट दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे लगता है मैं सबको सावधान कर ही दूं। हाँ हाँ चलो। एक मिनट गोखले, मिसेस कुलकर्णी का फोन है। तो केशव को दे दो, वो तुम्हें बुला रही है फोन पर। हेलो, हाँ कोकी भाभी, हाँ कहिए। व्हाट? ओह नो, नहीं आप फिक्र मत करना, मैं हूँ। क्या बात है गोखले, एनीथिंग सीरियस? वेरी वेरी सीरियस। देखो, इसके आगे केशव कुलकर्णी से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? इन आने वाले 2 दिनों में उनके हाथ से किसी का खून होने वाला है। सावधान रहना। स्टाफ वालों, आप लोगों के साथ मैंने जो बर्ताव किया उसके लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप चाहते तो मुझे मार सकते हैं। मिसेस लक्ष्मी, ये लीजिए, आप मुझे मारिए। गोखले, तुम मुझे मारो। मिस जोशी, आप मुझे मारिए। बॉम्बे वाला, मारो मुझे। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो भाई, बोलो। आपको बॉस ने बुलाया। बॉस ने बुलाया? जाओ, मैं आता हूँ। मुझे कोई नहीं मारता। नहीं कुकी जी, मेरा मतलब है मिसेस कुलकर्णी। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। सर लाइए इस फाइल को, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं केशव, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। मैंने सब देख लिया है। सारी गलती मेरी थी केशव, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं इसलिए तुमसे माफी मांगने के लिए बुलवाया था केशव। माफी? सर आप मेरा मजाक कर रहे हैं। लाइए लाइए, मैं फाइल को ठीक कर देता हूँ। मैं आपको मौका नहीं दूंगा, मेमो देने का मौका नहीं दूंगा। सर लाइए फाइल। मैं तुम्हें कभी कोई मेमो नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा। क्या सर्टिफिकेट देंगे सर? केशव कुलकर्णी थर्ड क्लास आदमी है। नहीं, केशव कुलकर्णी फर्स्ट क्लास आदमी है। लेकिन आज प्रेमा जी की शूटिंग नहीं है सर। मतलब यही पर आओगे केशव? हाँ, केशव क्या गर्मी बहुत हो रही। आपकी तबीयत तो ठीक है सर? एक काम कीजिए सर, आपका टाइट हिला। क्या आपको
ठीक लगेगा सर। केशव बाहर चलो, शांत हो जाओ। बाहर क्या चलो, बॉस की तबीयत ठीक नहीं, बाहर जाने के लिए कह रहे हो। तुम बाहर चलो, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे कैसे ठीक होगी सर की तबीयत, देखिए मेरी बात सुनिए सर। केशव कुलकर्णी तुम थक का नहीं, केशव तुम फर्स्ट क्लास आदमी हो, यू आर ग्रेट मैन। बाप रे यार यार। चिंटू चिंटू, डैडी के आने का टाइम हो गया है, घर में शांति रखो, बिल्कुल उधम मत मचाओ। अरे मम्मी मैं उधम का मजा रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हेलो बेटे। हेलो दिलबुर अंकल। ये लो चॉकलेट। अरे वाह दिलबुर अंकल, आपने मुझे बहुत दिनों के बाद चॉकलेट खिलाई है। बेटे मम्मी किधर है तुम्हारी? मम्मी दिलबुर अंकल आए हैं। आ रही हूँ। नमस्ते कोकी जी, कैसी हैं? अच्छी हूँ। आजकल मार्केट में गाजरें बहुत आई हुई हैं। तो मुझे गाजर के हलवे की रेसिपी दीजिए ना। अभी? हाँ तो और क्या? नहीं अभी आप चले जाइए, मैं बाद में बता दूंगी। केशु के आने का टाइम हो गया है। तो आने तो ना, मैं डरता थोड़ी हूँ उनसे, वो कौन सा मेरा खून कर देंगे। कर सकते हैं, आज वो कुछ भी कर सकते हैं। वो और खून कर सकते हैं? अरे छोड़िए, उनसे बड़ा एक नंबर का डरपोक इंसान नहीं देखा है मैंने। उनको खाली आपके ऊपर रोब जमाना आता है। दिलरुबा जी, दिलरुबा के बच्चे, मैं तो खून पी जाऊंगा। आप कहती है तो मेरे को माफ करता हूँ, वरना क्या कर लेगा? इधर साले। केशु ये क्या हालत बना लिए तुमने? ए बेवकूफ। कौन बोला? तू तो ए बेवकूफ, तेरा बाप, तेरा खानदान बेवकूफ। ए पागल। अरे तू पागल, तेरा खानदान पागल। एक दिन तेरी चौथ में पटाखा फोड़ूंगा। केशु ये क्या हालत बना लिए तुमने? क्या करूं कोकी, सुबह से मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ से ट्रेन में गया ऑफिस को, तो ट्रेन में मुझे गंजे ने मारा। रात में ऑफिस में दो दिन भर में गिर पड़ा। यहाँ तो टैक्सी वाले ने मुझे पीटा। क्यों? मेरे पास 50 पैसे छूटे नहीं थे। और यहाँ आकर देखता हूँ तो दिलरुबा कहाँ गया? केशव, दिलरुबा के बच्चे, वो गया। मैं उसकी मुंडी काटकर अपने दरवाजे पर लगाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। केशव, मैं गला दबा दूंगा आज, आज मुझे किसी का गला दबा। केशव, हेलो, ओ कोकी जी, हाँ बोलिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, ओ ये ओ ये क्या हुआ? क्या हुआ? तुम कैसे कुलकर्णी से झगड़ा करके आए हो क्या? इसमें कौन सी नई बात है, वो तो मैं रोज ही करता हूँ। वो यहाँ आ रहे हैं। क्यों? तुम उनसे माफी मांगो इसलिए। मैं उनसे माफी मांगूं क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगूं? अच्छा क्यों? इधर आओ। दरवाजा खोलो। आवाज सुनो, तुम्हारा काम है, तुम खोलो। नहीं मैं क्यों खोलूं? आई एम नॉट गोइंग टू नो। डोंट वरी, आई एम बिहाइंड यू। But then, मेरा काम ही नहीं है, मैं तो हीरोइन हूँ, तुम्हारे पीछे से क्यों खोलूँ? Behind every good woman there is a husband. प्रेमा जी, दरवाजा खोलिए। नहीं, क्यों? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। क्यों? क्या बोलूँ? मैं नहा रही हूँ। नहा रही हो? ड्राइंग रूम में? हाँ, मैं ड्राइंग रूम में क्यों नहा रही हूँ? बाथरूम का नलका खराब है। झूठ बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। कैसे जी? आज मुझे किसी का गला दबाना है। नहीं, दरवाजा खोलिए। मैंने कहा था ना, डोंट वरी, आई एम बिहाइंड यू। केशव, केशव तुम क्या कर रहे हो?
डार्लिंग, हमारी ऑफिस को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए एक फाइल तैयार करनी है। ये उस हाथ में पकड़ो ना। क्यों? ऐसे ही, बस ऐसे ही। और ये काटने का काम ही बंद करो दो। Are you alright, darling? हाँ। हाँ? हाँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। बुखार बुखार तो नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। नहीं नहीं। ओहो। हेलो। हाँ हेलो केशव, मैं गोखले बोल रहा हूँ। हाँ गोखले बोलो, इतनी रात गए? केशव तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, क्यों? नहीं अच्छा, घर में बाकी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कोकी की तबीयत कुछ। केशव एक मिनट, मैं जरा कोकी भाभी से बात करना चाहता हूँ। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, ये लो गोखले। हेलो। अच्छा कोकी भाभी। हाँ। केशव नॉर्मल तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है। कोकी भाभी तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। मैं कल सुबह फिर से फोन करता हूँ। टेक केयर, टेक केयर। हाँ गुड नाइट। क्या हुआ केशव? हाँ? केशव तुम कल शाम तक घर पे ही रहना। क्यों? क्यों ऐसे ही छुट्टी ले लेना? छुट्टी? अरे कमाल है, मेरा बॉस भी कह रहा था केशव तुम छुट्टी ले रहे हो और तुम भी कह रही हो। बॉस कह रहा था? हाँ? तो फिर ले लो ना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा? ओके, अगर तुम कहती हो तो। मॉडल तो ये भी अच्छा लग रहा है, कोई दूसरा ऐसे बढ़िया मॉडल बताइए सर। ये देखिए एकदम नया मॉडल, इटालियन मॉडल। वो तो ठीक है मगर चलता बलता कैसे है? एकदम फर्स्ट क्लास, दुनिया के सारे आतंकवादी इसे ही इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। पैक इट अप, जरा पान खा के आता हूँ। हाँ जी रामो, ये पैक कर दो, ये लो। सर एक पिस्तौल चाहिए। पहले पिस्तौल चाहिए, कहीं लाइसेंस वाइसेंस छे? खिलौने की पिस्तौल के लिए लाइसेंस? हो हो, तुझे खेलने के लिए पिस्तौल चाहिए? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए। मेरे खिलौने तो अलग किस्म के होते हैं। अच्छी चलेगी ना सर? एकदम फर्स्ट क्लास। कितना पैसा? 200 रुपीस। ओ 200 रुपीस, पैक इट अप। रामो इसे भी पैक कर दो। लीजिए सर। साहब ये पिस्तौल की एक खासियत है। क्या क्या? इसमें से आवाज निकलती है लेकिन गोली नहीं छूटती। ओहो फिर तो ये मेरे भी काम की चीज है। लाओ रामू, पैक हो गया। थैंक यू। ओके सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आइए साहब आइए। मेरा बस आ रही है। आ रही है, कमाल करते हैं। इतनी देर में चार बैग लूट लेता और सब ही मार देता। आ रही है, आ रही है, बोल रहे हैं। एक मिनट रामू, रामू साहब के पिस्तौल लाओ। ये लीजिए सर। एक मिनट में देख लो। हाँ अरे कमाल है, मुझे बेवकूफ समझते हैं, मुझे खिलौने बेचते हैं। अरे रामो बोल, रामो साहब की ओरिजिनल पिस्तौल किधर है? लगता है वो चश्मे वाले साहब लेके गए। अरे पकड़ो उसको इडियट। यार केशव आज तुम दफ्तर क्यों नहीं आए? क्या करूं, कल रात बीवी ने कहा छुट्टी ले लो, एंड यू नो छुट्टी के मामले में बीवी के साथ हमेशा सहमत हो जाता है। गुड गुड वेरी गुड। वैसे इस वक्त कहां से आ रहे हैं? इस वक्त ये पिस्तौल खरीदने के लिए गया था। यार केशव ये तो असली लग रही है। अरे तुम पागल हो गए, 200 रुपए में कोई असली पिस्तौल देता है? ये तो चिंटू के लिए ली है। अच्छा। स्कूल के फंक्शन के लिए उसको जरूरत थी। अच्छा मुझे एक बात बता, आज दिन भर में तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा नहीं तो क्यों? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तू कुछ छुपा रहा है? नहीं यार। गोखले तूने कल रात मेरी बीवी को फोन भी किया था, यू नो तुम पहले मर्द हो जिसने मेरी बीवी को इतनी रात गए फोन किया था। नहीं कैसे, वो तो ऐसे ही मैंने। क्या बात है, सच सच बता वरना इस खिलौने की रिवॉल्वर से तेरा खून कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा केशव क्या बात है? बात यह है कि कोकी भाभी ने मुझे फोन करके बताया था। क्या? कि सबको सावधान करना। किस बारे में? उन्होंने कहा कि आज शाम 7:30 बजे तक केशव के यानी कि तुम्हारे हाथ से किसी का खून होने वाला है। किसी का खून? इसलिए सब डर रहे मुझसे, इसलिए प्रेमा जी वो ड्राइंग रूम में, वो ऐसी ऐसी सबको समझाना पड़ेगा। प्रेमा जी प्रेमा के साथ झगड़ना नहीं। शिवानी लास्ट कट वो कमरे में गया। अब है ना प्रेमा जी इस दरवाजे से बाहर आएगी और यहाँ आके रुकेगी और यूं देखेगी। नहीं आउट फ्रॉम हियर, यहाँ क्यों आए हो? नहीं सर, प्रेमा जी के साथ दो मिनट। नो नो नो, रिवॉल्वर सच्ची होती तो मैं आपको शूट कर देता। सर कम यार, दो मिनट। आउट दिस वे प्रेमा जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
हेलो केशव जी, दादा ये आप क्या करें, आप नहीं जानते। आइए आइए, केशव जी आइए, शॉप पर आपका स्वागत है। और भाई चाय लाओ, कॉफी लाओ, आइसक्रीम लाओ, चलिए ले लीजिए। प्रेमा जी के साथ दो मिनट बात करनी है। अच्छा अच्छा, कर लीजिए, बातें को बात। प्रेमा जी हाँ। वो कल कोकी ने आपको जो कुछ भी कहा था वो सब गलत था। गलत था? हाँ, गलत था। वो क्या हुआ कि एक ज्योतिष ने कोकी को उल्लू बनाया था। तो मैं चाहता हूँ प्रेमा जी कि आप कोकी की बात का यकीन ना करें। नहीं करते। आप मुझसे नाराज तो नहीं है प्रेमा जी? नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ प्रेमा जी, प्लीज आप नाराज मत होइएगा। केशव जी आप अभी चले जाइए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, शूटिंग में आते रहे। कोकी, 7:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। भगवान से प्रार्थना करो कि केशव किसी का भी खून किए बगैर वापस आ जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तुमने सबको फोन करके ऐसा क्यों कहा कि मेरे हाथ से आज किसी का खून होने वाला है? तुम्हें किसने बताया? अरे गोखले ने बताया। ओ, दरअसल क्या हुआ ना केशव, हमारे घर में एक ज्योतिषी आया था। ज्योतिष? और किसने बुलाया ज्योतिष को, किसने बुलाया? मैंने नहीं, गंगा मौसी ने बुलाया। गंगा? ए, मौसी बात ना, सिर्फ गंगा। ज्योतिष आया तो गोली छोड़वा दूंगा। बेवकूफ। सुना कोकी, इसने फिर से मुझे बेवकूफ कहा। फिर से देखो कोकी, ज्योतिषी का भविष्य सच निकला, तोता मर गया। 7:30 बजे केशव के हाथों से खून हो गया। अच्छा हुआ तोते पर ही निपट गया। केशव पागल। ये तोता कौन सा? अरे डैडी, वो तो नकली तोता था, असली तोता तो ये है।